ये पत्र भी भेजा गया, इसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं FIR। साहब मेरा मकान है, मैं अपने माँ बाप के इकलौती लड़की हूँ, अब मुकदमा भी चल रहा है, उसके बावजूद मेरा दरवाज़ा भी दीवार तोड़ के हमारे घर में महबूब अख्तर ने सब कोई घुस गए, कब्जा कर लिया, हमारा मकान बनने नहीं दे रहे। कल परसों से जो है मसाला बना हुआ सब खराब हो रहा है हमारा, कल भी हमको इतना मारे पीटे हमारे बच्चों को, कब्जा किए हुए है और वहीं सब जाके बैठते उठते हैं, उसी के साथ सब वो हिस्ट्री सीटर है सर गांव वाला, कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता सर, मेरी पुश्तैदी जमीन है, मेरे बेस पुश्त से वहाँ लोग रहते हैं, मेरे पिताजी हैं, सुबह मेरे देवरी के मतलब कि मारे नोरे तो धड़िया थाने मंगान वहाँ सुलत गए, ओकर बाद संध्या घर में घुस के फिर उन्होंने राय के मारत है। लेकिन वो सर बंटवारा नहीं करना चाहते, सर खाते की जमीन को क्रमशः कब्जा करा रहे हैं। मंदिर में रेप का आरोप लगाया गया है, जबकि ऑलरेडी 6 महीने पहले माननीय के यहाँ से आदेश होने पर 308 FIR लिखी गई। यही विशेष कृपा है सर की आपको चरण छू के प्रार्थना है कि लगवाते हैं सर बिलान से सर चौकी निशा, जिसमें जो जांच है सर FIR की कॉपी है सर, उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें सर। ये सचिव महोदय कर्नलगंज से हमने कहा FIR दर्ज करके किसी DSP साहब से विवेचना करा दिया जाए, उसके बाद उन्होंने हमारे FIR दर्ज की, नुकुश की सरकार हमने कई मरतबा मिले, उसके बाद में वो श्रीमान SC ST एक महोदय जो हैं, हमने ये पत्र भी भेजा गया, इसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं FIR। जबकि SC ST धारा 4 में मैंडेटरी है हुजूर की, जो कोई लोक सेवक अगर FIR भार थाने के भार साधक ना दर्ज करे या कर्तव्य के प्रति उपेक्षा बरते तो 6 माह से 1 वर्ष के दंड का प्राविधान है। जैसे धारा 166 में महिलाओं के लिए है, उसे SC ST के लिए धारा 4 में प्राविधान है, इसके बावजूद नहीं हो रहा सरकार। SSP साहब को दिए सरकार, हमने दे दिया जो लिखे है ना, हमने 20 तारीख को दिए थे, हाँ 20 तारीख दिए तब माननीय आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यही तहरीर है हमारी। रिसीव की उन्होंने नहीं थाने पर? अरे सरकार रिसीव का कोर्ट से भी गया, पंजीकृत डाक से भी भेजा, हमने वैसे एप्लीकेशन दिया, मुलाकात भी की, CGM साहब के यहाँ आए थे वो SHO साहब, वहाँ भी कहा। इसमें कोई जांच हुई नहीं हमारे कोर्ट की कि इसमें मिथ्यापन दिया? कुछ नहीं जांच हुई, जांच के लिए तो पहले FIR तो होनी है, जांच तो कोर्ट वो करेंगे नहीं, कोर्ट हमने एप्लीकेशन दिया है। संज्ञान नहीं सर, FIR तो दर्ज कर सकते हैं, SC ST के मामला में है, दर्ज कर लें उसके बाद जांच करें, जो कुछ करेंगे आदेश करेंगे, जो भी करेंगे विशेष न्यायाधीश, जब इनके पास पहुंच ही गया है मामला, मैं लिख दे रहा हूँ SSP। सेक्शन 4 में ये भी प्रावधान है कि जांच होने के बाद ही कार्रवाई हो सकती है उसमें, किस वाले सर? SC ST एक्ट में सेक्शन 4 में ये भी है कि वो जो कार्रवाई होगी सेक्शन 4 की वो जांच करने के उपरांत ही होगी। सेक्शन 4 ना, हाँ जांच वही लिख दिया मैंने, CO ये पहला लिख दिया, माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करा है, दूसरा मैंने बता दिया CO द्वारा थाना स्तर पर जो लापरवाही बरती गई है उसके संबंध में जांच उपरांत कार्रवाई। अब ये दोनों चीज़ों का वेट कर ली, SSP साहब के यहाँ से क्या होता है और थाना इस अगर माँ हो जाए, स्पष्ट आदेश हो जाए मुकदमा का और फिर भी ना करें तो मुझे बता। ठीक है सर, ठीक ठीक। साहब मेरा मकान है, मैं अपने माँ बाप के इकलौती लड़की हूँ, अब मुकदमा भी चल रहा है, उसके बावजूद मेरा दरवाज़ा भी दीवार तोड़ के हमारे घर में महबूब अख्तर ने सब कोई घुस गए, कब्जा कर लिए, मैं 3 साल से परेशान हूँ, थाने जाते हूँ मेरी सुनाई नहीं, कोर्ट में भी चल रहा है आपका मामला? हाँ, सिविल कोर्ट में। हाँ, क्या आदेश हुआ कोर्ट का? आदेश हुआ कि वो स्टे हमको दे दिए, उसके बावजूद दब बंगई मचा रहे हैं, अगला पार्टी कह रहा है कि मैं थाना खरीद लूँगा, मैं प्रशासन खरीद लूँगा और पशु शिकार के फेंक दूँगा,
मार डालूंगा हमको थम। मैं महिला हूँ, बेवा हूँ सर, हमारी सुनाई कहीं नहीं हो रही। करा दो। उसके 20-25 दलाल हैं, थाने पहुँच जाते हैं तो मेरी सुनाई नहीं होती। इको जुपिटर या हंडिया को अपीयर करना। और सर करा रहा हूँ, बीटा टेन इको बीटा टेन। और कोई तो नहीं है? हंडिया वाला और है कोई? तोता उसमें गए थे साहब, ड्राइवर थाना आपके सनीचर को गए थे, वो गंगा पार एसपी गए थे। हाँ, तो आप मिले उनसे? हाँ, उसने क्या कहा उन्होंने? हमने थाने में थे तब, दो महिला गए थे सर, इको, उनके सामने खड़े कर रहे थे। मतलब प्रशासन जो है हमको उनके पास जाने नहीं दिया। चलो मैं सीधे नहीं सुन रहा, इको आप इनको बता दें, ये एक प्रार्थना पत्र है श्रीमती मुन्नी बेगम, इनका नगर पंचायत हंडिया में एक विवाद चल रहा है मकान का, जिसे लेकर सिविल जज साहब ने आदेश किया हुआ है, इनके यहाँ कोई भू माफिया है अब तक, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और जो यथास्थिति का आदेश है उसका पालन कराएं। और राइट सर, नोट किया गया, नोटेड। फिर एसपी साहब ने क्या किया उसमें? एसपी साहब बीटा टेन हड़िया इको, हड़िया बीटा टेन इको, एसपी साहब पास जाने नहीं दिए। अब पहले हमने 4-5 बार एसपी फैंस लगाए थे, जुपिटर महोदय के यहाँ केस हुई है, मुन्नी बेगम है नगर पंचायत हड़िया से, इनका मकान का कोई विवाद है, ये सिविल जज महोदय द्वारा आदेश है, उसके बाद कोई अख्तर है, भू माफिया है, इनके जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, तत्काल इसका निस्तारण कराइए, करा के सर को अवगत कराइए। खत्म हो गया, हमारे पास कागज हमको मिल गया, फिर भी वो हमें परेशान कर रहा है, घर नहीं बनने दे रहा था, आने का दिनों कह रहा कि केस चल रहा है, कहीं कोई कागज, कहीं कोई कागज, नेता से कहीं कहता है न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय से लिखवा के कहीं मैडम से, ऐसे के कागज डाला के सर कहीं दिन भर पे 200 नंबर बुला देता है, कहीं थाने से पुलिस बुला देता है, हमारा मकान बनने नहीं दे रहा है। कल परसों से जो है मसाला बना हुआ सब खराब हो रहा है हमारा, कल भी हमको इतना मारे पीटे हमारे बच्चों को, ये देखिए सर मसाला हमारा बना हुआ। मसाला बना हुआ पूरा खराब चैनल, सब मजदूर को भी मार के भगाए हम, बस परसों भी लड़का हमारा बंद हुआ 151 से जमानत कराए, कल भी वो लोग 10-12 लोग हमारे ये आदमी को हमको मारा, एक लड़का उसको मारे, कल भी 100 नंबर मारे भी 100 नंबर भी बुला दिए, फिर पुलिस ले गई शाम तक बैठाई थी, तो फिर जमानत करा के हम छुड़वाए, मसाला इतना सारा हमारा सब खराब हो रहा है सर। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस कहती बना लो नहीं बना लो, क्या कहा है पुलिस से? कहती क्या करें, ऊपर से दबाव आ जाता है, फोन आ जाता है, हम क्या करें, आप जाइए मैडम से लिखवाइए, मैडम से लिखवा के कागज लाते हैं, एक बार मैडम लिखी, शनिचर के दिन शनिचर दिवस था, वो दिन भी बोली मैडम लिख दी थी, वही SDM जो है। अच्छा, हाँ, और दूसरे दिन वो लिखवाया, फिर मैडम ने लिखा। हाँ, मैडम ने बोला कि हाँ आप मतलब शांति बनाइए, पुलिस को बोले कि जाइए आप करें, तो मकान बनाने लगे। फिर वो दूसरे दिन जा कर के कोई एक राजू पंडित है, वो दलाल है, वो जा कर के मैडम को बड़का दिया कि साहब वहाँ जान भी जा सकती, गोली भी चल सकती है, आपने आदेश दिया मकान को इसको रोका जाए बनने के लिए, फिर वो रोक दिए सर। ऐसे ही रोज हम थाना चक्कर लगा रहे हैं सर, हमारा मकान नहीं बनना है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। SSP ऑफिस गए, वहाँ दो बार हमने अर्जी लगाई वहाँ से, और वहाँ गए थे क्या नाम है वो उस दिन, वो बीटा टेन हड़िया इलाहाबाद, हाँ वहाँ गए, वहाँ से भी कागज आया, मैडम को दिखाए दिए, कुछ कोई काम ही नहीं हो रहा साहब हमारा, मार भी रहे हैं और कह रहे तुम देखते हैं कैसे, और अभी 5 कुर्सी लगी है, कहीं से कोई को बुलवाया बैठाया, अभी लड़का फोन करके बता रहा था कि बेटा तुम मत बोलो हम आए हैं साहब के पास, देखते हैं साहब सर करेली आप लोग खुला बात 26 तारीख से साहब हमारा यह काम 26 तारीख से चल रही है,
और ड्यूटी समाप्त हो गई है, ड्यूटी समाप्त हो गई है। कब समाप्त हुई, आज समाप्त हुई या कल? कल कल या कल या परसों समाप्त हुई है। सौ नंबर जाती उसके बाद पुलिस थाने से जाती, कहते क्या करें ऊपर से फोन आया दबा। हेलो आईडी जी बोल रहा हूँ। हेलो सर, जय सर आदित्य। ये एक यह मामला आया हुआ सोराव का, जाहिदा बेगम जी सर। ये दो तीन बार इनके बच्चे को बंद कर दिया 151 में, जब भी ये बनाते हैं पुलिस जा रही है 112 इनको उठा के बंद कर देती है। एसडीएम साहब ने भी आपकी के लिए लिखा हुआ कि प्रकरण की जांच करें और समस्या का समाधान कराएं, शांति व्यवस्था बनी रहे। बाई हैंड इनको दे रखा है एक प्रार्थना पत्र। सर इनको क्या बुलवाया था दोनों लोगों को पिछले वाले? ठीक है जी सर, तो थाना कोई निर्णय नहीं हो पाया सर, उसमें वो लेखपाल के लिए लिखे थे कि रिपोर्ट दें, लेखपाल ने रिपोर्ट नहीं दिया सर, परसों शायद बनवा रहे थे, मजदूरों में झगड़ा हो गया था। नहीं तो तब तक इनको एक बार मना कर दो, इनको बता दीजिए कि कब तक नहीं बनाना, लेकिन एक बार बैठा के तय कर दीजिए। हाँ क्या है ये, इनका कहना तो ये कि ऊपर से दबाव आ जाता, कहाँ से दबाव आ जाता कि ना बने? नहीं सर किसी का दबाव नहीं है सर, इनका इन्होंने बैनामा दिया है सर, और उसने मुकदमा किया गया था तो मुकदमा खारिज हो गया, फिर उसका रोशन में है सर, कोई आदेश नहीं है। तो ये आई थी सर एसडीएम साहब से मैंने बात किया था, तो ये सही है सही बनवा रहे हैं, उसके बाद सस्ती जाकर रुकवा था, 112 नंबर को मना भी मैंने किया था कि इनका सही है मत सुन लो जी सर। ये तो क्यों रोकते हो फिर, अगर आपको लग रहा सही है? दूसरा आदमी कौन है, दूसरा पक्ष कौन है, वो एक साथ बुलाइए ना इनको, एक साथ बुला लीजिए। वो आता नहीं आता सर? वो आया नहीं था, एक अपने साहब को भेजा था, एक बार आया था सर, उसने जबरदस्ती किया था, तो उसका ही 151 हुआ था सर, उसका भी किया 151 जी सर। हाँ तो अब इनको बताइए कि अपने ये बनाए तो फिर फोर्स दे दीजिए इनको, कि ताकि जो कि बदमाशी ना करे। 112 को बता दीजिए कि इसमें अनावश्यक क्यों रोक लगाता है। अगर उसके पास कोई कागज है या कोई कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर है तब तो रोके वो। कब्जा है इसका नहीं है उस जमीन पर जब इसने खरीदी है? सर इन्होंने दूसरे किससे खरीदा तो उसका कब्जा नहीं था, इन्होंने बैनामा दे दिया था, तो उसका कहना है कि सर इन्होंने जिससे कहा था उसको भी कब्जा नहीं मिला था, उसमें मुकदमा चला था, सर मुकदमा तो खारिज हो गया था सर, फिर रेस्टोरेशन में एक ही डाले हैं सर उसको। हाँ तो उससे कहिए कि या तो स्टे ऑर्डर लेगा जी सर, 13 साल तो उसमें डेट लगी है सर, अभी डेट लगी है। 13 कितनी लगी है? 13 साल सर, 13 साल लगी है। नहीं तो जब ये कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट से तय कराइए ना पहले, उसने फिर दोबारा डाल दिया बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन। कब्जा तो था नहीं? नहीं वो तो बंद हो गया जी, लेकिन जिससे आपने खरीदा पहले उसी का कब्जा नहीं था तो कैसे बना लोगे उसको? नहीं सर कब्जा था। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए सर। जो जमीन जिस ये हम बैनामा आप देख लीजिए खुद ही आपको समझ में आ गया हमारे मुजब क्या है बैनामा में, फोटो लगी है क्या? जी हाँ, जगह ये इनकी जमीन थी, इसकी जमीन, इसका कब्जा है कहीं हाँ, बिल्डिंग दिखाओ। नहीं इसकी उसमें लगी हुई है, कोई फोटो लगी है? नहीं मकान का फोटो कहाँ बैनामा? नहीं आजकल फोटो लगती है बैनामे में जी। जी हम ये इनकी जमीन थी, इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदा, तो ये कब्जा किए थे इन्होंने, बेचा रजिया। आप कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा किया मौके पे, SHO कह रहे हैं कि कब्जा किसी का हुआ नहीं आज तक, वो तो झूठ बातें सर। आप इसमें देखिए दोनों में से एक काम कर दीजिए या फिर इसको कोर्ट कर दीजिए 145 में जब तक कोर्ट से तय हो जी, तो आप मौके पर देख करके वहाँ दरिया वहाँ किसी का और का भी कब्जा हो, इनका नहीं है तो किसी और का भी ना होने दो। ठीक अभी कब्जे में हम हैं ना, अभी कब्जे में मौके जी हम क्या है, क्या कब्जा क्या कर रखा, मतलब उसी मकान में रह रहे हैं, कमरा बना हुआ है 8x10x12x का, उसी में हम तीन हम रह रहे हैं 5 साल से हैं। ये कह रहे हैं कि 5 साल से वहाँ एक कमरे में हैं ये रह रहे हैं? सर बगल में है तो सर जो बैनामा लिया उस जमीन का नहीं है, इनका आप बैठा के दोनों पक्षों को, ऐसा कोई इतना टेढ़ा मामला नहीं है। अगर बस यही है कि टाइम लगेगा, मुझे भी फिर 1 घंटा नहीं तो बैठना पड़ेगा, आप लोग नहीं कर पाते ये काम, रेवेन्यू का भी स्टाफ आता बाकी और लगा के, तो एक बार देख कर ये देख लीजिए किसका है, तय कर दीजिए, इनका कागज़ सही है उसके कागज़ देख लीजिए, अब कोर्ट में जब होगा अगर, या तो कोर्ट से फिर वो स्टे ऑर्डर वगैरह कोई लाए अगर इनका काम रुकवाना चाहता है। ठीक जी, माँ बेची है, बेटा ये कर रहा है, बाप है और बेटा और एक मामा की विरोध करने का। पिछले शनिवार सर उसको फोन करते रहे, वो कहा कि नवाबगंज में आ रहा है सर, थाना दिवस में आया है। अब आए या ना आए इनका काम नहीं रोकोगे अब तब तक, या तो कोर्ट का आदेश लाए कोई स्टे ऑर्डर लाए। ठीक है अगर वो स्टे ऑर्डर लाता है रोकने के लिए तो रोक देना,
जब तक नहीं लाता तब तक इनका काम चलने दीजिए। और ऐसे नहीं कि ये नहीं कि और थाना दिवस में ये तो लगातार चक्कर काट रहे हैं, ये पीड़ित व्यक्ति है। ठीक है, अब इनका काम रोकेंगे नहीं आप। ठीक, ओके। 112 को बता दीजिए वहाँ जाएगी नहीं इस मामले में। अगर झगड़ा होता है उठा के उसी को बंद करेंगे। एक पक्षी है ये कहा झगड़ा करेगा, बार बार इसके लड़के को बंद करने की क्या जरूरत है। ठीक है, यही बता दीजिए आपने एस एच ओ से मिल के बनाना। लेकिन जी वहाँ जाओगे वो कहीं आप वहाँ झगड़ा फसाद झगड़ा फसाद करें आप नहीं करोगे, नहीं आप सीधे थाने जाओगे। जी 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 समझ गया। नहीं ठीक है सर, प्रशासन से हर जगह से हमारा हो गया है। कई बार पुलिस डिमांड भी थाने पर गई लेकिन कोई थाने वाले सर गए नहीं। अब कहते हैं हम नहीं भेजेंगे चिट्ठी, पुलिस वाले आते नहीं कभी। अब सब जबकि वो वहीं कब्जा किए हुए है, वहीं सब जाके बैठते उठते हैं उसी के साथ सब। और वो हिस्ट्री सीटर है सर गाँव वाला, कोई उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता है। पुलिस वाले दबिश देने गए तो सीओ साहब उनको बंधक बना के खूब मारे थे, उसके हिस्ट्री उसको जेल भी गया था, कई साल जेल में था। सब कागज सरकार लगा है इसमें, कई बार धमकी देता है ज़्यादा सिफारिश करोगे तो। ये जो गुमटी रखी है उसने? हाँ सर, हाँ सब सिफारिश। वो सार्वजनिक जगह है या आपकी है? मेरी सर, मेरे भी आपकी जगह। जी सर। कब रखी गई है गुमटी? 2 साल पहले से सर रखी है। वो सारे हमारे यहाँ विधायक संजय गुप्ता थे, उन्हीं के आगे पीछे नाश्ता तो वही के सारे बताओ रखा है। और साहब कोई सुनवाई कहीं नहीं सरकार। ठीक है, सबको हटाने के लिए गुमटी उसको कई बार अप्लीकेशन गई। ये बात किसने योजित किया था? श्रीमती रानी देवी फर्जी बैनामा सर का उसमें एक विश्वा करा दिया। श्रीमती रानी देवी कौन है? वो सर हंडिया की बाहरी आदमी, वो फर्जी दिखा करके उसको एक विश्व बैनामा कर दिया। उसने कब्जे के संबंध में अपना तो ये निरस्त हो गया। हाँ सर, सब निरस्त, सब पागल लगा है सरकार। ये आपके पक्ष में हुआ मतलब? जी सर। श्याम नारायण और लोकनाथ पांडे संयुक्त टीम का गठन किया गया, कब्जे को हटवाया नहीं गया। ये लोकनाथ पांडे और सर एक वो एक मिश्रा है, एक तिवारी, यही सब लोग मिलकर साहब गुमटी सब रखवा के साहब उमा सब इन्होंने रखवाया था। जी साहब, आईनी की टीम बना दी। तो आपने आपत्ति नहीं की उस समय? आपत्ति किया लेकिन आपको सुनने वाला नहीं, दिक्कत एडीएम साहब पूरा साहब रिपोर्ट के लेकर आए दिए हैं पूरा कि हाँ उसका कुछ नहीं है कहीं, हर जगह से उसका निरस्त है, लेकिन तभी सरकार कोई सुनवाई नहीं होती है। ये पत्रावली एटीएम सर निरस्त है हर जगह सर। ये हमारी खतौनी है, ये सर गुमटी रखे हैं सर, ये गुमटी रखी हाँ रोड की तरफ सर, पीछे हमारा पूरा लेकिन आगे पूरा बंद किया है, घेर जा नहीं सकते ट्रैक्टर लेकर। आपका रास्ता किधर है सर? यही ये पूरा हमारा खेत पीछे है, पूरा रास्ता यहाँ दूसरे का है, ये यहाँ से हमारा है, ये पूरा रोक लिया साहब। ये अब देखिए जब तक राजस्व टीम इसमें ओके नहीं करेगी तब तक पुलिस क्या करेगी इसमें, ये बताइए मुझे। नहीं राजस्व टीम साहब तो रिपोर्ट लगा दिया कई बार कि हाँ। रिपोर्ट लगने से नहीं होता, मौके पर जाके कराना पड़ेगा। तो मौके पर सर गए थे सर, रिपोर्ट से ये क्या पता चलेगा कि क्या है। सर चिट्ठी गई लेकिन वहाँ फोर्स उपलब्ध नहीं करेगा, चिट्ठी गई सर थाना को अपराध को सर। पिछले शनिवार को गए थे क्या आप थाने पर? नहीं सर पिछले शनिवार को नहीं। कब गए थे लास्ट टाइम? तीन चार महीने पहले सर गए थे। जो SP कौशाम्बी इनसे कभी मिले इस संबंध में आप? उसके पहले मिल जो आप हैं इसके पहले वाले से मिले सर। एक बार मिल लीजिए इनसे, वैसे मैं इन्हीं को लिख रहा हूँ। जी सर। अभी तो आप शनिवार को थाना दिवस पर जाइए, थाना दिवस है समाधान यहाँ पर लिख कर यहाँ पूरा वो एक बोर्ड लगा लो वहाँ सामने, उस पर यहाँ लिख दिया करो थाना दिवस कब है, तहसील दिवस कब है, उसकी डेट्स लिख दिया करो। चलिए इस बार कराएंगे इसको। जी सरकार, जी सरकार। ये यादव परिवार के लोग बहुत थाना गए, कुछ नहीं सुनवाई साहब। थाने में 3 बार रिपोर्ट लिखा चुके, 14 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, कोई सुनवाई नहीं है सर। ये लोग अपने घर वर बनाते हैं, अपने से पैसा लेते हैं, वो भी नहीं देते, बोलते तुमको गांव से भगा दूंगा। मेरे बड़े वाले दादा पूरी संपत्ति बेच चुके हैं, चाचा भी बेचना चालू कर दिए हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता सर। मेरी पुश्तैदी जमीन है, मेरे बेस पुस्तक से वहाँ लोग रहते हैं, मैं पढ़ते। क्या आपके परिवार के हैं या बाहर के लोग हैं? कौन सर? ये जो लोग जो आपसे झगड़ा कर रहे हैं? ये सर यादव परिवार है। ये आपसे अलग है? हाँ सर, मैं द्विवेदी हूँ सर, ये यादव परिवार के। ये लोग इतना दबंगई दिखा रहे हैं, दबंग से हमारी ज़मीन भी खरीद ले रहे हैं।
घर वर बनवाते हैं। आपके परिवार जनों की जो जमीन खरीदी है इन्होंने ही खरीदी? हाँ सर, बहुत जीना मुश्किल हो गया है सर, इसलिए दबाव बना रहे हैं कि हाँ हाँ सर, घर में घुस के मारते हैं, सब वीडियो भी है हमारे पास, बोलते हैं तुमको यहाँ से भगा देंगे। एफआईआर के ठीक सर, हमारी जान बचाइए। ठीक है, एफआईआर और निरोधात्मक कार्रवाई दोनों। सर ऐसा है कि मेरे प्रताप हैं, सुबह मेरे देवरे के मतलब कि मारन हो रहे, तो धड़िया थाने में गए, वहाँ सुलह करत गए, ओकरे बाद संध्या घर में घुस के फिर उनके राय के मारत हैं, घर क्योंकि रह नहीं देते हैं, धमकी आवत हैं कि हम गोली चला दे, हमें थाने से ऑर्डर मिला है। कौन कह रहा ऑर्डर मिला थाने से? हड़िया थाने से कहा गोली चलाने का। हाँ, मेरे लोग धमकी आ रहे हैं मेरे घर को, मतलब को घर नहीं रह पाते हैं। इनके पास क्या है, लाइसेंस ही असला है क्या है? इनके खिलाफ ये एफ आई आर दर्ज है, इन्होंने खुद के अपहरण की सूचना लिखवाई और बाद में पुलिस ने जांच की, ये पाया कि इन्होंने षड्यंत्र अपने खिलाफ ये सूचना लिखवाई थी कि पुलिस द्वारा एफ आई आर कराई गई इनके खिलाफ और ये जेल भी गए हैं। शाम को 7:30 बजे ये मार रहे हैं, देखा है सर, लाठी डंडे से ये लोग घर छोड़ के सर पहुँचे। पिछले 5 दिन से आपके यहाँ से भी यहाँ निर्देश गया, कल बात हुई आपके यहाँ तो खुद बुलवाया साहब ने कि आप यहाँ लेके चले आइए, तब हम लोग आए हैं सर। ये एकदम सुबह इनसे झगड़ा हुआ इनके देवर से, जिसके संबंध में पुलिस ने इनके देवर के खिलाफ 323-506 की FIR दर्ज कर ली और जेल भी भेज दिया इनके देवर को। शाम को जब इनके देवर छूट के गए तो वो लोग लामबंद हो गए सर, 7:30 बजे मार दिए और बहुत ज़्यादा मारे, और 5 दिन से SHO साहब यही कह रहे हैं कि आप लिख देंगे इनको 12:30 बजे रात तक बैठाए रखे थाने पे, कि आपको FIR करके कापी दे रहे हैं। CEO साहब ने भी उनको निर्देशित किया कि साहब इनकी FIR क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं सर खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद लिख रहे हैं। हंडिया, हाँ CEO हंडिया साहब ने 2 से 3 बार इनसे कहा। सुशील कुमार जी यसाई है, वो जाँच करके गए थे मौके पर 7:30 बजे स्वयं, वो आके बताया कि साहब वो लोग उत्पाद किए हुए हैं, एक मैं अकेला नहीं थाम पाऊँगा, वहाँ पूरी फोर्स भेज दी, नहीं भेजा। 5 दिन से सर इनको परेशान कर, इनके पास सर रिवॉल्वर की लाइसेंस, 5 दिन से ऐसे तो साफ यही कहना है कि आज लिख देंगे कल लिख देंगे आपका जरूर लिखा जाएगा, और 2-3 बार उनके साथ से बताया कि क्रास है, उसी के साथ ने कहा कि 10 बजे की घटना है, 7 बजे की क्रास कैसे हुई, 7 बजे बाद आप भी नहीं लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं साहब लिख दे रहे हैं लेकिन फिर भी सर नहीं, और ना ही उसकी धर पकड़ कर रहे हैं, 1 साल का बच्चा है सर, उसको गोली मारने की धमकी देते हैं, इकलौता लड़का है साहब, मोहाली के गड्ढा है कि वहाँ सब दिन से कूड़ा फेंका रहे हैं, वो बजे कूड़ा साहब बंद कर दे, हम फिर नहीं आज उन्हें साहब लड़का को उसके साथ गोली मार, कमरा लगा के साहब मतलब कि बाहर भीतर को रोक लगा रहे हैं, चारों कैद की कमरा घुमा रहे हैं, पर ये रखिए अपने पास। हाँ जय, ये एक महिला आई हुई है प्रमिका मेरे सामने, हाँ इनका विवाद हुआ होगा, इन्हीं के देवर को उठा के बंद कर दिया, वो जब छूट के आया तो फिर जो विपक्षी लोग थे उन्होंने फिर मारा, झगड़ा किया, उसका वीडियो भी दिखा रहे हैं, आपके सब इंस्पेक्टर गए होंगे तो बार बार इनको तब से टरका रहे हैं कि आज FIR करेंगे कल FIR करेंगे, क्रॉस केस है ये, क्या है ये मामला आपकी जानकारी में भी आया बता रहे हैं? रिपोर्ट दीजिए, डायरेक्ट रिपोर्ट दीजिए। यह विषय की है, मेरे सामने एक महिला आई हुई है प्रमिला, इनका विवाद हुआ इसके देवर को, इनको 191 बंद कर दिया,
इनके साथ मारपीट हुई, ये वीडियो दिखा रहे हैं। सीओ कंफर्म कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर कंफर्म कर रहा है, मतलब वो इतना मन पड़े आपका इंस्पेक्टर कि वो FIR नहीं लिखेगा किसी के कहने से, ना सीओ के कहने से। आपके कंट्रोल में है या आपके कंट्रोल में भी नहीं है? और अभी एक घंटे के अंदर मुझे FIR का PDF भेजिएगा। और आप ये हंडिया, ये सब सारी आपकी समस्या हंडिया, आप हंडिया में बैठा कीजिए सबसे ज़्यादा, हर दूसरे दिन निरीक्षण कीजिए और देख के ज़रा मुझे रिपोर्ट दीजिए क्या बदमाशी कर रखी है इन लोगों ने, मतलब मजाक बना रखा है। एक थाना कंट्रोल में नहीं आ रहा आप लोगों को, आप देख के मुझे इसका जो हर तीसरे दिन निरीक्षण कीजिए, आकस्मिक निरीक्षण कीजिए, कितने दलाल वहाँ बैठे रहते हैं थाने के बाहर। बताइए उसे एक घंटे में FIR करके दे। दो लड़कियां थी, जबकि सेवा खातिर सब मैं करता था, हालांकि उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं लड़कियों से कहा कि अपना बंटवारा कर लो, फिर जिसको जो देना है बेचना है वो बेच कर जाने वाले हैं, आप करो। लेकिन वो सर बंटवारा नहीं करना चाहती, सह खाते की ज़मीन को क्रमशः कब्जा करा रही, जिसमें कि मेरे हिस्से की भी ज़मीन वो लोग कब्जा कर लेते हैं। ये सर मैटर है, जब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह थे उन्होंने मुझको बुला के धमकी दिया कि मैं तुमको अपराधी बना दूँगा या तो तुम चुप रहो। मैं सर कप्तान साहब से मिला, जिससे और खुंदस आ गए। टोटल मेरी ज़मीन सर वही कब्जा कराए, इतना सहयोग किए उन लोगों के, बच्चे लोगों का। ये उनसे मिले नहीं आप जगह कप्तान साहब से? कप्तान साहब सर तीन बार मिल चुका हूँ, निर्देशित करते हैं यहाँ, हाँ हाँ करते हैं, हमको ऐसे थाने पर घुमाते रहते सर। बहुत सारे एप्लीकेशन में सर मिले, बहुत, तब मैं कोर्ट में गया हूँ सर, इतना एप्लीकेशन। क्या हुआ कोर्ट से? कोर्ट से सब हस्तखन आदेश सर मिले हुए, फिर भी कब्जा करते हैं। अभी हाल का वीडियो है, फिर भी कब्जा किए। और घर में सर घुस के मारे, कई बार हमको मारा गया है, एप्लीकेशन नहीं लिखते। देखिए सर घर में घुस के मारे, इनके पास पुलिस तक नहीं गई है। विपक्षी लोग सर इतने सरंग हैं, उनका थाने से कहीं कुछ नहीं हो सकता। तीन तीन थाने पर उनका पूरा कब्जा है, पट्टी, दूसरा और कन्हई। ऐसे क्या है? ब्लॉक प्रमुख नहीं, फिर भी अपनी गाड़ी में ब्लॉक प्रमुख के खास चलते हैं। क्या नाम है इसका? उसका नाम है सतीश सिंह, ये इनके रिश्तेदार हैं सर, हमारे पट्टीदार। आपके पट्टीदार के क्या लगते हैं? साढ़ू लगते हैं, सगे साढ़ू उन्हीं के साथ रहते हैं सर। पिस्टल उस्टल, अवैध असलाह ले, फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, मोटी मोटी चैने पहनते हैं, अवैध सब असलाह रखते हैं। बड़ा इनका सर बहुत गड़बड़ सब कारोबार है, मुझसे मत सब करवाइए, अपनी एजेंसी से आप जाँच करवा लीजिए सर। इतना प्रार्थना पत्र सर मैं कप्तान साहब को दे चुका हूँ। मॉर्निंग, एक यह क्लासिकल केस आपका आया हुआ है कोतवाली पट्टी का। एक आदमी है जो ब्लॉक प्रमुख है भी नहीं, वो ब्लॉक प्रमुख लिख के गाड़ी चलाता है, असलाह लेकर चलता है, सतीश नाम का आदमी, ठीक है? हाँ आप देख लेना इसका जो है, ये परेशान आदमी मेरे सामने बैठा हुआ, राजेश कुमार सिंह है। हाँ अब जो भी है, तो ब्लॉक प्रमुख कैसे लिख के चला रहा है, असलाह कैसे लेकर घूमता है। अब इसके प्रार्थना पत्र मैंने इसमें लिखा कि अपने समक्ष बुलाइए इनको भी, राजेश को भी, सतीश को भी, सभी पक्षों को। कई FIR ये मुझे दिखा रहे हैं, बहुत है सर, बहुत है। उनके खिलाफ कई FIR थाना प्रभारी, लेकिन इनका कहना कि एक इंस्पेक्टर पुराना जो वहाँ रहा है वो उस पक्ष का रिश्तेदार है या मिला हुआ था, उसने दबाव बनाकर इसकी ज़मीन पर कब्जा कराना शुरू कर दिया। हाँ तो इसे अपने सामने सभी पक्षों को बुलाएंगे आप कल परसों, जब भी आप बुलाना चाहिए। अब ये थाने को बुला दीजिए, सारे कागज लिखा पड़ी इन्होंने बहुत कर रखी है, बस आप नाम नोट करके इनको भी फ़ोन चला जाना चाहिए और दूसरे पक्ष को भी। IGRS की जितनी रिपोर्ट हैं सर सब गलत लगाते हैं, सब लेके जाइए उनके सामने। सर अभी रिसेंट का मैटर है, ये ग्राम प्रधानपति है, बहुत पैसे वाला है। ये इसके बगल ये जो खड़े हैं ये सतीश के सगे साढ़ू लगते हैं, देखिए सर असलाह लेके खड़े हैं, जबकि इनके नाम से असलाह नहीं, रिपीटर। और ये सतीश के चेले हैं, और ये भी लड़का देखिए बंदूक लेकर खड़ा है, जबकि इनके नाम से असलाह नहीं। अवैध कितना रखते हैं सर, ये तो वैध की बात है किसी न किसी के लिए। अभी सर हाल ताज में इसका
पिस्टल जो है 3-4 महीने पहले गायब हुआ था, ये बात कप्तान साहब को नॉलेज में है, मैं दिया था LIO साहब के माध्यम से। अब इसके पिस्टल की चोरी की रिपोर्ट फिर भी लिख उठी, जबकि घटना दिखा रहा था बरहपुर सभी रिसेंट में आ रहे थे, तो लोगों ने चिन्हित की। इन लोगों की रिपोर्टें सर गलत भी लिखी जाती हैं। मैं सर बहुत पीड़ित हूँ, मेरे जान को मतलब पूरी तरह से खतरा है। जो आज मैं आपके सामने खुलासा थोड़ा बहुत किया हूँ, अब तो ये समझ जाइए सर मुझे सुरक्षा पहले चाहिए, जमीन बाप में इतने ये लोग मन बड़ा है। अभी आपको फ़ोन आ जाएगा। 3-4 गाँव में सर इनका पूरा वो चलता है, गुंडा ही चलता है। अभी सतीश का तीसरा भाई गया था दूसरे गाँव में कब्जा कराने, वहाँ पर सर 2-3 गाँव वाले घेर करके इसको बहुत मारे हैं, फिर भी रिपोर्ट इनके पक्ष में लिखी गई, गोली मार के दिखा दिए को तो पंचायत करने गए थे, ऐसा ऐसा हुआ। ठीक, अभी पहुंच जाइए जब आपको बुलाया जाए। ठीक है, ये सब किसके पास आप फोन किए? कप्तान साहब, सतपाल अंतिम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके बंदी में रेप का आरोप लगाया गया है, जबकि ऑलरेडी 6 महीने पहले माननी के यहाँ से आदेश होने पर 308 FIR लिखी गई, क्राइम नंबर 269। उसी में 376D कर दिया क्या? नहीं नहीं, और यहाँ से आदेश हुआ था, हमारी उनकी मारपीट हुई थी। ठीक है, तो FIR FIR आपकी हुई? मेरी हो गई। अब क्या किया उन्होंने, एक क्रॉस में ही लिखा दिया जी? अपोजिट नहीं, क्रॉस में नहीं सर, इनके साथ एक हिमांशु पाल उनकी बिटिया का संबंध था, तो उसमें विवाद हुआ, FIR पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा सर, तो उसने मेरे 3 बच्चों को लपेट दिया गैंग रेप ने, जबकि उस लड़की का हिमांशु जेल चला गया। मेरे 3 बच्चे सगे भाई मेरे घर में हैं, और ये साजिश के तहत FIR गलत, और मोबाइल डिटेल्स EDR सबसे लोकेशन क्लियर की जा सकती है, किसी से कोई संबंध नहीं। लड़की से लड़की के बयान वगैरह हो गए उसके जी? 164 हो गया है, थरवाई सर चाहे बात भी कर लें, सच्चाई भी पता, लिखा भी नहीं जा रहा था मुकदमा, ये पेश मतलब इन लोगों ने लड़की वाले, चूँकि जी हमारी इनकी पहले से वो दुश्मनी FIR लगी हुई है, हमें नामजद इसमें कर दिया था। और सगे भाई बिल्कुल निष्पक्ष होगी, आप SP गंगापार से मिलिए जी, सारे लोगों से मिलने के बाद सर यहाँ आया था, बोनी को लिखे तो बताएंगे मुझे। संजय सिंह जा था सर, मोबाइल लेके आया था सर, मोबाइल जिसका छीन लिए वहीं पे शांतिपुरम फापामाऊ में, तो इसने FIR के लिए कहा जाकर के इंस्पेक्टर से कि FIR कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा FIR का तो मतलब छीने थे, मुकदमा न लिख करके चोरी में लिख दिया सर। उसके बाद IU जो थे जयराम सरोज, कई बार मिलने के बाद बोले कि ठीक है तो होता ही रहता है, FIR लगाऊंगे इसमें, और इन्होंने सर नंबर भी है, सर्विलांस पर लगा देते तो हो सकता है सर के बच्चे का मोबाइल मिल जाता। यही विशेष कृपा है सर की, आपको चरण छू के प्रार्थना है कि लगवाते हैं सर्विलांस को सर, चौक इंचार्ज इसमें जो जांच है सर, FIR की कॉपी है सर, उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें सर, विशेष रूप से सर कृपा हो जाएगी। सर आपकी प्रार्थना को जो अपनी जैसा जिसको साहब जांच कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, 4-5 दिन मेरा मोबाइल जो है उसमें जो है पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक उसमें ब्लैक में हो गया था, अभी मैंने सर कल सही किया। उनसे बात कर लीजिए, कर लेंगे सर। जी जी, वो कल से आपको ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, कोई बात बात जी, आज ही कर लेता हूँ। ये काम भी उन्हीं को दे दो, ये भी CEO Undertaking को दे दो, चल ठीक कर लेता हूँ, अभी कर लेता अभी बैठ के बात।